पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं आगरा में गाय के गोबर से गौरी गणेश की मूर्तियां बनाने की पहल शुरू की गई है। सत्यमेव जयदेव ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई इस पहल में इस बार दीपावली में लोग मूर्तियों का भी पूजन में उपयोग कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये मूर्तियां इको फ्रेंडली होंगी और घर के गमले में विसर्जित करने पर ये कंपोस्ट खाद में तब्दील हो जाएंगी। ये पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा संदेश भी है। आपको बताते चलें कि गाय का गोबर भारतीय परंपरा में बेहद पवित्र माना जाता है। सत्यमेव जयदेव ट्रस्ट द्वारा तैयार की गई गाय के गोबर से बनी मूर्तियों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और इस दिवाली पूजन में उपयोग भी करेंगे। ये हमारा जो एक प्रकल्प चल रहा है, गाय के गोबर से श्री लक्ष्मी माता और गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है, जो बहुत ही सस्ते रेट पर उपलब्ध हैं आम जनता के लिए। इससे दो बेनिफिट हैं। हम पर्यावरण को भी सुरक्षित करना चाहते हैं, इस वजह से कि जब इनकी प्रतिमा का विसर्जन करेंगे तो हम इनका विसर्जन अपने घर पर किसी भी गमले में कर सकते हैं, जो कि हमें आगे चल के खाद का रूप प्रदान करेगी। हमने अभी प्रकल्प चालू किया है गाय के गोबर से भगवान जी की मूर्तियाँ बनाना, सांतिये बनाना, शुभला बनाना, और ये शुद्ध गोबर से बनी हुई है। इनको घर घर पहुंचाना और गाय के प्रति जो है जागरूकता पैदा करना। दूसरा प्रकल्प हमने, जो लोग सड़क पर दिए बेचते हैं, दिवाली नहीं मना पाते हैं, उनके लिए आधी किलो मिठाई का डिब्बा प्लस एक थैलिया में कुछ मिठाई, बिस्किट और टॉफी प्रत्येक फल वाले को, जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं वहाँ तक उन लोगों को देंगे, जिससे वो लोग भी हमारे साथ दिवाली का आनंद उठाएं और दिवाली मनाएं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई पहल की गई है। बता दें आपको कि गाय के गोबर से ये लक्ष्मी गणेश की खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई हैं, जो दीपावली पर लोगों की पसंद बनी हुई है। ये मूर्तियां काफी इको फ्रेंडली होंगी और